पद्मश्री उद्धव भराले पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर पहली बार उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। भराले के खिलाफ अपनी ही गोद ली हुई बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप है। लखीमपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद भराले को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। मामले पर उद्धव भराले ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में जीत मिलने के बाद ही वह असम छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। उद्धव भराले ने आखिर में कहा कि सच की जीत होगी। मैं कईजन मान लखीमपुर मुस्लिमेय मानुर समाज सेवार जड़ित किसान अफिशियल षड़ मैं बलि मैं कले कैके लो नजानू कि मोर पुलिस प्रशासन आईनी प्रशासन और संबद सेवार जड़ित ऊपर पूर्ण आस्था आसे समय से ऊल्बार मैं भिक्ट्री पमे मैं प्रथम भाई पृथ्वी एरी गुस भिडिओ कर सबके जानम कि तरपत देखिल नए मानुबाक सदा आजी मूक कैसे कई कर ये आईनबाक बनाए सुरक्षा दी कारण कि अस्त्र हिसाब से किसान मानु अति निकृष्ट मानु किसान वेपन यूज कर जी हार मोर एगेस्ट कन्सपिरेसि देखी से बहुत टकाओ दुखन प्रूव हो मैं आचरीत खासी मैं कि एनेपराध कर मोर डिफेन्स ना ये ना मैं कि करूँ मैं नजान मैं कि क्राइम करूँ नजान कारण मोर डिफेन्स ना अपने घर कपनी कारबार घर गई से आनी दुमह पीछे गम पासी जो अपनी तक बोले क्राइम कर घटना तो एनक आजिकाल हम पृथ्वी कितने मैं बहुत सम्मान आनी और इते देखो गोटे संबद आपनर जीखिन निपीड़ित गोषी सी निपीड़ित गोषी एंटायर देखो गोटे मानुखि देखो मूल पठिया इन डि एल एस जी आनी से देखो मानुखि मोर ऊर पठिया देखो मैं देखो तक संस्थापन पर आदि खाद्यर पर आश्रय सब दूँ आजिले तो दी आई आजिले तो तेने कथ हा ना आज कि बस सूदीघ बसपा चलि आई षड़ कथ मोर पद्मश्री सम्मानटे बोधे षड़ मेन कारण और मोर अन्ायति सदा प्रतिबाद ये मैं ओपेनलि प्रतिबाद करूँ ये प्रतिबाद करो मोर कारण यह मुहूर्त कल कि आको पुनर्बार कर मैं बहुत तलर पर मैं आज ये पजिशन पासी भारत एट विभाग मैं एक नम्बर वानी कि आज दुर्भाग्य जे समय तो अति मोर बेहाल पड़े कि मैं जीतु जानू सत्य तो सदा प्रतिष्ठित हम आई सिल कम आउट उथ फ्लाइंग कलर कि मैं ठीक करूँ जगत और मैं नाथकूँ मैं एरी गुस्सा।